एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड. सो हे आई एम विद माय न्यू वीडियो. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा, यू नो, कि क्यों नहीं काउंसलिंग सेकंड राउंड कंडक्ट हो रही है, क्या रीज़न है. तो मैं आपको बता दूँ, सेकंड राउंड काउंसलिंग कंडक्ट होने में यहाँ पर थोड़ी देरी हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी. यहाँ पर अभी जो फर्स्ट ईयर का अभी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो बेस्ट था उनके अभी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो हुए हैं, तो हो सकता है उनका लोड, उनका रिजल्ट वगैरह, ठीक है, उनकी कॉपीज चेक्स, उनमें थोड़ा यूनिवर्सिटी टाइम ले रही हो. एंड देन अगर आप लोग देखोगे तो फिलहाल ही अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रखा है, ठीक है, तो हो सकता है रिजल्ट को बनाने में एंड उसको फिर निकालने में, मतलब बहुत सारा टाइम जो क्या हो रहा है ना बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में एंड देन रिजल्ट बनाने में, तो इसमें थोड़ा टाइम क्या हो रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी ले रही है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ वहाँ से, तो आपकी काउंसलिंग यहाँ कंडक्ट होने में कहीं ना कहीं थोड़ी लेट हो रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की काउंसलिंग नहीं होगी, तो अपनी बिल्कुल जो होप्स है उनको लूज़ मत करिए कि नहीं होगी, तो ठीक है. इसलिए मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. डेली मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ बिकॉज अभी तक कोई, यू नो, अगर कोई ऑफिशियल नोटिस होता तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती. बट अगर आप लोग यूट्यूब पर देखोगे तो मतलब बहुत सारे यहाँ वहाँ की वीडियोज़ आ रही हैं कि ये है, वो है, काउंसलिंग कब होगी, वो तो ऐसी कोई ऑफिशियल अभी तक कोई नोटिस या न्यूज़ नहीं आई है. और मैंने सर से ऑलरेडी बात कर ली है, तो उन्होंने अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. उनका कहना है कि काउंसलिंग होगी बट थोड़ा टाइम लगेगा. तो बच्चों अब पता नहीं वो कितना टाइम लगाएंगे. तो अगर आप लोग और जगह वीडियो देख रहे हो तो अगर उसमें कोई आपको टाइम लिमिट बता रहा है कि इतने समय पर होगी, इतने समय पर होगी, तो अभी तक कोई सर वगैरह ने कोई टाइम लिमिट नहीं बताई है. तो मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर कुछ ऐसा टाइम लिमिट होता है या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस होता तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती और रूटीन वाइज वीडियोस डालती, ठीक है. तो इसलिए मैं रूटीन वाइज नहीं डाली हूँ बिकॉज अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे सबूत हमारे पास नहीं है, ठीक है. तो इसलिए आप लोग अपना मतलब परेशान मत होना कि हम लोग की काउंसलिंग नहीं हो रही है या फिर कुछ ऐसे करके रीज़न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, काउंसलिंग होगी. बहुत सारी प्रोसेस, यू नो, एक साथ हो रही है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, समझ रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आपकी थोड़ा काउंसलिंग में लेट हो रहा है. अदरवाइज काउंसलिंग होगी. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि बहुत सारी सीट्स यहाँ पर खाली वेकेंट है, चाहे बीएससी नर्सिंग की देखो, उसमें बहुत सारी सीट्स यहाँ पर खाली हैं, ठीक है. और जैसे कि मैंने बताया था, प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के इस बार तो 800 समथिंग सीट्स हैं, अगली बार सिर्फ 700 थी, तो इसका मतलब सीट्स भी बढ़ी हुई हैं. गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं बीएससी नर्सिंग के, जहाँ किसी भी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, कहीं कहीं तो सिर्फ एक या दो बच्चों ने एडमिशन लिया है, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी सीट्स खाली हैं और आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उनमें एडमिशन होने के. तो प्लीज़ इतना पैनिक मत होइए. जैसे आप लोग अभी तक वेट करते आए हो, प्लीज़ वेट करिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है. तभी मैं आपके लिए वीडियो ला रही हूँ ताकि आपको थोड़ा मतलब एक रिलैक्स फील हो कि मैंने बात करी है यूनिवर्सिटी में और सर ने बोला है काउंसलिंग होगी, बट थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी इस बीच क्या हो रहा है ना, जो आपके सीनियर बैच है लाइक सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, उनका रिजल्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम यूनिवर्सिटी वहाँ मतलब ले ले रही हो, ठीक है, रिजल्ट में, यू नो, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हुआ है, फिर अभी ये सब चीज़ें हो रही, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है. तो प्लीज़ डोंट लूज योर होप, ठीक है, पॉजिटिव रहो और कुछ भी मतलब क्वेरीज होती है मेरे से कमेंट सेक्शन पे पूछो एंड देन उसका रिप्लाई करूँगी. और जल्दी मैं लाइव आऊँगी तो उस लाइव को फटाफट से ज्वाइन करिएगा, अपने सारे क्वेश्चन मेरे से वहाँ पे आप क्लियर करिएगा. उसके बाद भी कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे से मतलब पूछ सकते हो और अपनी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो. आई लव यू ऑल.